हाँ बच्चों, देखिए आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम सब हो चुकी है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिवीजन। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 4। सभी बच्चे खोल लें पेज नंबर 59। एक्सरसाइज 7.1 ठीक है। देखिए, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। पहली प्रॉब्लम है, कह रहा फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। 28 डिवाइडेड बाय 7 ठीक है। 7 28 4 7 4 इसमें जो है क्यू बराबर क्या हो गया 4। और आर बराबर 0 ठीक है। दूसरा देख लीजिए 56 9 9 6 54 2 ठीक है बच्चों। Q बराबर 6, R बराबर 2 ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आप लोग आठों प्रॉब्लम खुद से लगाएंगे। चलिए अब आ जाइए दूसरी पर। पहला दूसरा मैं आपको बता दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां ठीक है। चल चल क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स राइट द पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए डिवीजन फैक्ट्स बताएंगे। 8 × 4 बराबर 32 ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स के लिए आपको पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स बताएंगे। दो हो सकते हैं, एक तो आप 32 में जब आप 4 की भाग लगाएंगे 8 आ जाएगा, फिर 32 में आप 8 की भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। यही आपको बताना ठीक है। पहला बता दे रहे हैं और चौथा देखिए क्या है। 15 × 9 135 ठीक है। इसमें देख लीजिए 135 में जब आप 9 की भाग लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब 135 में जब आप 15 की भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से सभी आप लोग 6 सवाल आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। तीसरी प्रॉब्लम पे आ जाएगा। क्या है पहला, ये जो है फिल इन द बबल्स। 83 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, भर दीजिए क्या भरा जाएगा, इसमें आपका भरा जाएगा 83 ठीक है बच्चों। किसी चीज में जब 1 से भाग लगाते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अगर 0 से भाग लगाते हैं 0 में 8552 भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा ठीक है। इस तरह से तीसरा भी देख लीजिए, बाकी आप लोग उससे करिएगा। क्या है, बबल्स डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7335 ठीक है। बस 7335 7335 में 1 की भाग लगाएंगे तो यह चल जाए। हो गया बच्चों, इस तरह से ये 6 प्रॉब्लम्स हो चुकी है। आज आप लोग तीनों एक्सरसाइज तीनों कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा। आज का ये काम है, अगले दिन आपको आगे की वीडियो बनाना चाहिए।